करते हैं, आज का जो फॉर्मूला है वो लुकअप एंड रेफरेंस सिस्टम है। आपने भी लुकअप वगैरह पढ़े हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आज बताते हैं आपको। सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा एड्रेस का। देखिए एड्रेस का फॉर्मूला क्या करता है। एड्रेस के फॉर्मूला में जैसे मैं रो नंबर एक डालता हूँ, कॉलम नंबर धन एक डालता हूँ, मुझे क्या बना के देता है, रेफरेंस बना के दे देता। ऑटोमेशन के दौरान इस तरह की चीजें आपको चाहिए होंगी तो उसमें आप यूज कर सकते हैं एड्रेस का फॉर्मूला। रो नंबर और कॉलम नंबर जब उसमें डालते हैं तो आप उसका आपको उसका एड्रेस बना के दे देते हैं। जैसे कॉलम नंबर 3 डाल देते हैं और रो नंबर 2 तो देन है एरिया। एरिया के फॉर्मूला का वैसे तो कोई यूज नहीं है, तो आपको फिर भी दिखा देता हूँ करता क्या है। इसमें जब भी आप कोई भी रेफरेंस देते हैं तो ये आपको ये बताता है कि कितने रेफरेंस आपने सिलेक्ट किए। 3 है ना, 3 एड्रेस है तो वही आपको रिटर्न करता है। आपको यानी हमारे पास चीज का फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है जो हमारे काम में आएगा। चीज का फंक्शन क्या करता है कि जैसे इसमें पहली चीज होती है इंडेक्स नंबर, देन इंडेक्स नंबर के बाद जैसे आप कुछ भी चीज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ आपने डेटा है तो इसके अंदर जैसे मैं इंडेक्स नंबर दूंगा 1 तो जनवरी दिखाएगा, मार्च जैसे 3 दूंगा तो ये कैसे करते हैं। इंडेक्स नहीं नॉट इंडेक्स का फॉर्मूला, ये हमारा चूज का इंडेक्स नंबर देन वर्ल्ड 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होती है। इंडेक्स नंबर हम नंबर की शेप में देते हैं, जैसे मैंने क्या करना है यही वाला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ये कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख देता हूँ, 12 तक लिख देता हूँ। देन मुझे क्या चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चाहिए, ठीक है जी। मुझे फॉर्मूला में एंटर करना है तो मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है जी। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ उसको, फॉर्मूले के अंदर मॉडिफाई कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं तो इतनी जगह बना लूंगा कि ये एक लाइन में आ जाए, पर ये अभी डिफरेंट डिफरेंट लाइन इसमें है, ठीक है जी। होम के अंदर गया मैं, देन ये फिल का बटन है, यहाँ से किया मैंने जस्टिफाई, एक ही सेल में आ गया, ठीक है। जस्टिफाई में क्या होता है, अलग अलग सेल में भी डाटा हो तो अगर आपके पास यहाँ जगह है एक सेल में तो उसमें ला के फिट कर देगा, कई जगह ये आपके ऑप्शन काम आएगा। देन अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस में से क्या करता हूँ, इसमें मैं फाइंड करता हूँ स्पेस और स्पेस की जगह कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि जब मुझे फॉर्मूला में टेक्स्ट डालना होता है तो इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है, रिप्लेस कर दिया मैंने। अब मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे आगे एक इन्वर्टेड कॉमा देना है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, एक यहाँ देना है। देन मुझे क्या करना है, एक इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है जी। और इंडेक्स में पहला जो है चूज का फॉर्मूला लगाना है, सॉरी चूज, देन उसमें मांगता है इंडेक्स नंबर और उसके बाद वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी है, ठीक है जी। इंडेक्स मैंने यहाँ से देखा, मैंने ऐसे कर दिया इसको यहाँ सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देता हूँ एक बार फार्मूला, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फार्मूला ये क्या दे देता है मुझे, अकॉर्डिंग टू उसके वैल्यू दे देता है। बेसिकली फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर आता है उसका, उसमें से वैल्यू 1, 2, 3 है, जैसे 1 है तो वैल्यू 1 दे देगा,
टू है तो वैल्यू टू दे देगा, थ्री है तो वैल्यू थ्री दे देगा। तो चूज का फॉर्मूला इसमें हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला दिखाते हैं इसका, कॉलम। कॉलम का फॉर्मूला क्या करते हैं, कोई भी रेफरेंस दिया तो उसका कॉलम नंबर दे देगा, जैसे यहां से गिने तो ये छठे नंबर पे, और अगर कोई रेफरेंस ना दिया तो ये खुद का कॉलम नंबर दे देगा। ठीक है, इसी तरह से रो है हमारे पास, रो का फॉर्मूला, जो भी रो नंबर होगा ये वो दे देगा। ठीक है जी, अब देखिए इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, दो नंबर दिया मैंने, ड्रैग किया, ठीक है, उसमें कोई भी लिस्ट बना दी, नाम की बना, ड्रैग कर दिया कोई डेटा। मुझे क्या होता है, इसमें कई बार अपडेट करना होता है, कई बीच में से डिलीट करनी है। ठीक है, तो हम इस चीजों में देखेंगे कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 आप देखेंगे सही है, क्योंकि वो रो नंबर रिटर्न कर रहा है। और आप कहेंगे कि हर एक चीज जो है हमारी कॉलम A1 से नहीं चालू होती। ठीक है, तो उसके लिए क्या करके मान लीजिए यहाँ निकाल, अपने क्या करना है, ये वाला ऊपर वाले कॉलम को माइनस कर देना, तो नो माइनस 8 यहाँ से चल हो जाएगा आपका, करवाने की अब जरूरत नहीं। और जब भी देखेंगे यहाँ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब से रो नंबर वगैरह नहीं डिस्टर्ब होते, सीरियल नंबर नहीं डिस्टर्ब होते, क्योंकि वो रो नंबर एक्टिव। पर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका, जब हम वैल्यू डालें तब आना चाहिए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इफ ये इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करना है, ब्लैंक रखना है, अदरवाइज रो, अदरवाइज वही रो का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला और यूज कर लेंगे। अब जब आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, और जब आप इसको वैल्यू डालेंगे इसी तरह से आप कॉलम भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी लिखते हैं नया फॉर्मूला, इसका कॉलम जो है जितना आप एरे में सिलेक्ट करेंगे, कितने कॉलम है, और दो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया हमने, ये वो मुझे दिखा दे। इसी तरह से रोज जो मैंने सिलेक्ट किया होंगी वो देखिए, सबका भी यूज ऑटोमेशन में करना। और तरीके मैं आपको आगे बताऊंगा, प्राइवेट डेटा को छोड़ दीजिए, इसको प्राइवेट टेबल के साथ यूज करते हैं। VLOOKUP और HLOOKUP इनको चलिए बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं बाकी और शॉर्ट फॉर्म। हाइपरलिंक का हमारे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास गूगल है, हाइपरलिंक का फॉर्मूला नाम जो आप दिखाना चाहते हैं इसमें, मैं कर देता हूँ गोल। ठीक है जी, दो नाम से लिंक बना आगे, पर इसको यूज क्या कर सकते हैं। अब जानते हैं स्ट्रिंग जो है कंकैटिनेट हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने डाला इधर एंड लगाया
और ये गूगल डिलीट किया और इसकी जगह ये डाल दिया, सेम एंड लगाया करी। अब मैंने क्या किया इसमें, तो भी लिंक है ना यहाँ से उठवा रहा, मतलब गूगल डॉट कॉम या फेसबुक डॉट कॉम है, मैं यहाँ से उठा, ठीक है जी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये क्या गूगल खोल दे रहा, जब मैं यहाँ पर फेसबुक डालूंगा उठा लेते हैं। सेवन चूज तो गड़बड़ आ रहा है, क्लिक कर दिया। हमारा फिर URL पेज कर डाल दिया मैंने रेडी। तो इसमें क्या है, तो लिस्ट हम डेटा वैलिडेशन जो भी खुलवाना चाहते हैं डेटा में जाके मैंने डेटा तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का फॉर्मूला ऑटोमेशन करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने हाइपरलिंक के द्वारा अभी वेबसाइट का लिंक बनाया, इसके द्वारा क्या हम किसी फाइल का भी लिंक बना सकते हैं? हाँ फाइल का भी बना सकते हैं, फाइल का भी बना सकते हैं, फाइल का बन सकता है ना सर? हाँ बन सकता है। फाइल के और भी तरीके हैं, बताऊंगा। हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ठीक है,
बाकी जो मेन मेन फंक्शन है ना, मैं इसको एक साथ ही बताऊंगा आपको, जैसे इनडायरेक्ट मैच इंडेक्स वगैरह इकट्ठे बताऊँ, बाकी इधर उधर से जो पहले बताऊँ। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्ट आप जानते थे इस स्टेशन में आपने यूज किया था, तो आप क्या कर रहे थे जब इस स्टेशन कर रहे थे? हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से क्लिक कर रहे थे, तो इस तरह से हमें दे रहा था डेटा, ठीक। और जब हम ट्रांसपोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं तो क्या होता है? इसको आपको एरिया सिलेक्ट करके F2 डाल के कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तभी हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब दबाएंगे एरिया सिलेक्ट करके करना है। तो ये दोबारा दिखा सकता हूँ, पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना है, देन आपको ट्रांसपोज का फंक्शन लगाना है, आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। तो ये एक एरे फार्मूला है, जिसका एरे फार्मूला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पर फिलहाल ट्रांसपोज के बारे में जान लेते हैं। ये एक एरे फार्मूला है। एरे फार्मूला ट्रांसपोज के फार्मूला होने से क्या फायदा है? जैसे ही आप वैल्यू इसमें चेंज करते हैं कोई भी, तो फॉर्मूला क्या है कि दूसरे सेल पर डिपेंड होता है, तो अपनी वैल्यू को भी चेंज करते हैं, एक तरह से लिंक क्रिएट कर देता है। आप पेस्ट है स्पेशल करें, इसमें इस तरह का लिंक भी क्रिएट होता है, फॉर्मूला का ये तरीका। देन आते हैं अपने सबसे पहले लुकअप के, जिसको आप लुकअप के नाम से ज्यादा जानते हैं, लुकअप के सबसे पहले इसमें कुछ आईडी ले लेते हैं। डेटा ले लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ, मैंने इसमें आईडी के जरिए ढूंढा है कि कौन किस आईडी के अंतर्गत कौन सी है, या फिर कौन सी है डेटा बेस वहाँ मिल जो आईडी के लिए। लुकअप वैल्यू ये इसको ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इतनी जैसी है कि आप आपका रिजल्ट कितना है और आपका रोल नंबर, वो आईडी रोल नंबर की तरह काम करती है। आपने देखा रोल नंबर कहाँ है, फिर उसके सामने देखा क्या है, पूरा भी लुकअप का लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे मांग रहे हैं। टेबल एरे में हमारा होल डेटा बेस है, पूरा सिलेक्ट कर लेना। आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब आपने बोला E002 मेरा रोल नंबर है, तो कौन सा कॉलम लेना है? इसमें टू चार कॉलम, कॉलम नंबर ये ऐसे आइडेंटिफाई करता है कि तो आपने सिलेक्ट किया होता है, ग्रीन कलर देखना डेटा सिलेक्ट किया होता है। पहला कॉलम होता है सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन में ये पहला कॉलम होता है, उसका कॉलम नंबर इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, जो सिलेक्शन के अंदर होता है। और ये आगे मून से सिलेक्ट करते हैं, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 जो है ग्रीन होता है,
मैंने आईडी से सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए हमेशा आईडी में, रोल नंबर आपके दो स्टूडेंट्स को अलॉट कर देंगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो ये यूनिक होना चाहिए कॉमन बात। बाकी कॉलम इंडेक्स में मुझे नेम में क्या चाहिए, नेम चाहिए तो उसका कॉलम इंडेक्स जो है टू है, आईडी फर्स्ट कॉलम इंडेक्स है, देन नेम सेकेंड है, सिटी थर्ड है, सेल्स फोर है, तो मुझे क्या डालना है टू यहाँ पे, ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स। देन आपसे पूछता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता तो या तो हम फॉल्स देते हैं या हम देते हैं जीरो यहाँ पे, दोनों का मतलब सेम होता है, वैल्यू भी सेम, ठीक है जी। तो ये वैल्यू इसने लुकअप कर दी कि ये भैया 8002 पे हरीश है। आपको दोबारा दिखाते हैं सिटी लुकअप करके, ये लुकअप का फंक्शन टाइप किया, लुकअप वैल्यू हो गई हमारी आईडी, देन टेबल एरे में होल डेटाबेस, देन कॉलम इंडेक्स ये कौन सा होगा 1 2 3 3 हो गया, देन फॉल्स या फिर जीरो, ये आपको इसने फाइंड कर दिया, ठीक है जी। अब चाहते हैं कि एक बार फंक्शन लगाओ और उसके बाद मैं ट्रैक कर दूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब मैं इधर ट्रैक करूं तो इसका क्या नहीं बढ़ना चाहिए, कॉलम नहीं बढ़ना चाहिए, तो कॉलम के आगे मैंने क्या करना है, क्योंकि ये जो आईडी है मेरी यही होनी चाहिए, जब मैं ट्रैक करूंगा तो यहाँ से खिसक जाएगा, ठीक है। कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम जो होते हैं जो ये ए बी सी डी एफ जी एच होते हैं उनको लॉक कर रहा है ताकि ये ना बदले, तो एच के आगे जो मुझे है डॉलर लगाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ रो बदले। अब ये एच फोर ले रहा है, यानी एच यहाँ से फोर यहाँ से, जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये वाला लेना चाहिए, एच फाइव लेना चाहिए, ठीक है। तो फोर के आगे नहीं लगाया पर कॉलम जो है एच ही रहना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास डेटाबेस आता है, अगर डेटाबेस को हम ड्रैग करके ड्रैग करेंगे तो ए थ्री का ए टू हो जाएगा, डी एट का डी नाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि कोई भी चेंज ना हो, ना रो में ना कॉलम में, तो क्या करूँगा दोनों जगह डॉलर लगा दूंगा, ठीक है। इतना सही करना होता, देन आप इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, पहले तो कॉलम के लिए, क्योंकि कॉलम इंडेक्स ऐसी चीज है जो आपको बार बार बदलनी पड़ेगी। तो कॉलम इंडेक्स मैंने यहाँ से कर दिया 3 और यहाँ से कर दिया मैंने 4, ठीक है। अब इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, अब मैंने क्या करना है सिंपली ड्रैग करना, तो इनकी वैल्यू आ गई। हालांकि ये फॉर्मूला है तो जब जैसे ही मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ वो पूरी पूरी रिजल्ट चेंज कर देगा, ओके। हाथ से टाइप कर देता हूँ E001, और प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। E001 क्यों नहीं ले रहा, H4 यहाँ से, A3 से सब कुछ सही है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, A3 to D8, ओके ओके यहाँ पे ट्रू है, प्रॉब्लम ये है मैं क्या लेना है, फॉल्स लेना या जीरो लेना, ठीक है। तो ये ड्रैग करके हमें ये करना था, ओके गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स भी चेंज करना था 3 एंड यहाँ पे हमें लेना है 4। अब आपको सही रिजल्ट, क्योंकि जब आप ट्रू करते हैं तो आपको गड़बड़ रिजल्ट देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको सही हो, ट्रू का यूज क्यों करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब आप इसमें जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, आप करेंगे आपका वैल्यू जो है रिजल्ट आपका बदल जाएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यू जैसे स्टिल टू बी कम, कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं तो ये एन एन ए आपको बुरा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा मतलब, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको एरर के मामले में मैंने बताया था कि आप इफ एरर यूज कर सकते हैं। हमने क्या करना है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी। वैल्यू में तो ये आ गया आपका भी लुकअप, देन आपने वैल्यू इफ एरर में क्या दे देना, ब्लैंक दे देना है सिंपल, कि भाई सब कुछ एरर आए तो आप मतलब एरर मत शो करो, कुछ ब्लैंक दिखा दो, ठीक है जी। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि एरर का फॉर्मूला है, यहाँ से चेंज करता हूँ 3
और यहाँ पे चार मैंने कर दिया, डन ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक हो गया। बट जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये आपको वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा में मल्टीपल वैल्यूज ना हो, ठीक है? क्योंकि इसमें से दो चीजें फाइंड करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा किसको, वो पहली वैल्यू ही देगा। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ जी, सर, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो सर, आपने जो विनोकप में मार्क में 0 यूज की थी, हाँ 2 KG, वो किस केस पे यूज की थी सर, एग्जैक्ट उसकी, वैल्यू के लिए? उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज होता है, अभी आप उसको 0 मान, ठीक है? उस पर एडवांस एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा कि कब आपको वहां पे वन या ट्रू यूज करना है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में हम वो एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा इसमें, हेलो हाँ जी, जैसे हाँ जी बोलिए। कि हमारा, जैसे कि हमारे ये कॉलम है, जैसे कि नेम है, नेम के बाद सिटी है, अगर सिटी को हम नेम की जगह ले लें और नेम को सिटी की जगह ले लें, नेम को सिटी की जगह आप दे और सकते हैं, बस आपको इंडेक्स नंबर वहां चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स, इसमें एक कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हम अगर कॉलम को ले तो नहीं हो सकता उसकी तरह, उसके अकॉर्डिंग? तब हो सकता है सर, उसका एडवांस एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको। मैच इंडेक्स के थ्रू है वो, कि आप ऊपर से हेडिंग चेंज करें, वैल्यू चेंज करें। और उसके लिए मैं एक और चीज बता दूं, अगर वी लुकअप के बारे में अगर आप ज्यादा ही समझना चाहते हैं, मतलब ढंग से समझना चाहते हैं ना वी लुकअप को, मास्टरी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब की सिर्फ एक वीडियो देख लेंगे। हालांकि मैं वो तरीके आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे जाएंगे, 26 वी लुकअप टाइप कर देंगे। 26 भी लुकअप, हाँ जी, बहुत फेमस वीडियो है वी लुकअप के, जो है 26 मेथड इसके अंदर है। बिगिनर टू एडवांस में आएगा एक्सेल इस फन की तरफ से। इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आधे घंटे, 1 घंटे की वीडियो है, खाली वी लुकअप के ऊपर है, ठीक है? ये आपके वी लुकअप के रिलेटेड जो है सारे डाउट खत्म कर देंगे। हालांकि ये सारे मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको देख लेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा, वी लुकअप से रिलेटेड क्वेरी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है जी? वी लुकअप फंक्शन बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस है। देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। वी लुकअप से मेरे ख्याल से आप लोग वो हुए होंगे, बाकी इसमें काफी एडवांस ऑप्शन है जो कि आपको मैं बाद में दिखाऊंगा इसको वी लुकअप। देन आता है हमारे पास लुकअप के बाद हमारा एच लुकअप। एच लुकअप में क्या है कि आपका डेटा आपका दूसरी तरफ से होगा, ट्रांसपोर्ट। इस तरह से हो गया, आपकी हेडिंग सीधा आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए तो इसमें आपकी मदद कर सकता है कौन सा होगा, आपको लुकअप, एच लुकअप। तो हेडिंग सेम ले लेता हूँ, क्या करना है, एच लुकअप डालना, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू वही सेम आएगी, टेबल अरे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है जी? बस इसमें कॉलम इंडेक्स जो आ रहा था ना, इसमें रो इंडेक्स मार दिया। अल्टीमेटली आपके हेडिंग्स जो है वो रो पे है ना, तो रो फर्स्ट वाली कौन सी रहेगी, आईडी वाली, सेकंड नेम वाली, नेम की है तो 2 एंड 0 वही पे पड़ना। इसमें भी वही चीज़ें फिक्स कर लेता हूँ जो होनी चाहिए। इसमें मुझे क्या करना है, कॉलम फिक्स करना है, इसमें होल डाटा फिक्स करना है। इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ से रो इंडेक्स नंबर जो था इसको मैं 3
कि आपको मैच इंडेक्स और इसके और एडवांस मेथड में आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है? अंदर बाकी और कुछ है, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना बताए, बाकी मैं आपको हमारा दो एक और कोई क्वेश्चन है तो सर, वो पीछे की वीडियो नहीं आई मेरे पास, प्राइवेट टेबल तक कराई थी। प्राइवेट टेबल तक आ गई है ना आपके पास? सर प्राइवेट टेबल की हाँ, फर्स्ट और सेकंड क्लास आई थी, लेकिन मुझे कुछ उसमें क्वेरी थी उसमें भी। उसके फॉर्मूले वाली कह रहे हैं ना? हाँ चलिए फॉर्मूले वाली कल भेज देंगे। मैं एक्चुअली ना बाहर गया हूँ, नहीं अभी जल्दी अभी आज ही आया हूँ। और होम में भी मेरे काफी ऑप्शन रहे हुए हैं, जैसे कि ऑटो सम का है, फिल का है, क्लियर का है, तो वो अभी मैंने करवाए नहीं। और भी हाँ जी कराए नहीं थे। हाँ अभी कराए नहीं है सर? ना ना मैं अपने हिसाब से करवा, सारे ऑप्शन वाले जो हैं वो आराम से करा।